नमस्कार, जनतंत्र टीवी पर उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी ने सीएए के विरोध में हुई हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने नूर मोहम्मद के परिजनों से मुलाकात की है। नूर मोहम्मद की सीएए के विरोध में हुई हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी ने रुकैया परवीन से भी उसके घर जाकर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। सीएए हिंसा के दौरान रुकैया परवीन के घर पर तोड़फोड़ हुई थी। घर पर तोड़फोड़ के आरोप पुलिस पर लगे गए थे। जानकारी दे दें कि रुकैया परवीन की 4 फरवरी को शादी होनी थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि पुलिस लोगों के घरों में घुसकर मारपीट कर रही है, नाबालिगों को भी जेल में डाला जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। सीए हिंसा के दौरान पीड़ितों से मिली हैं प्रियंका गांधी। देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदया को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है। उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है, बेवजह बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर। तो प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही हैं, और ऐसे में हमारे संवाददाता अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित, प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची हैं, सीए में जिस तरह से जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की गई है, क्या कुछ कहना रहा प्रियंका गांधी का? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक महाअभियान चला रही है सीए को लेकर, लगातार लोगों के बीच जाने की तैयारी में है, वहीं प्रियंका गांधी का मुजफ्फर नगर में जाना, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? देखिए अंशु, सीएए को लेकर अब विशुद्ध राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। सीएए केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो जिसमें संशोधित किया गया है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो नया कानून सामने आया है उसको लेकर तमाम राज्यों में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद अलग अलग सरकारों का जो रुख सामने आया है, उसके बाद से राजनीति और तेज हो गई है। सीएए को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे पर पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो रिएक्शन है, उसको लेकर अब आम लोगों के बीच जा रही हैं। विशेष रूप से सीएए के दौरान जो लोग प्रोटेस्ट किए और जेलों में बंद हैं, उनके परिजनों से मिलकर अब कांग्रेस एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, प्रोटेस्ट कर रहे जो लोग थे उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है पुलिस। वो रुकैया परवीन के घर भी जाकर उस परिवार से मिलती हैं और आरोप लगाती हैं कि दो बच्चियों की शादी मार्च में होने जा रहा था और उस घर में पुलिस घुसकर तोड़फोड़ करती है। शादी में जो सामान देने के लिए परिवार लेकर आया था वो सामान पुलिस तोड़फोड़ दी उस सामान को। इसके साथ ही जो नूर मोहम्मद उर्फ नूरा, जिसकी मौत हो गई प्रदर्शन के दौरान, उसके परिजनों से मिलकर प्रियंका गांधी ने कहा कि निर्दोष था नूरा, उसकी गोली मारकर पुलिस ने हत्या कर दी। बहुत से ऐसे नाबालिग हैं जिनको जेल में रखा गया है। तो सीएए को लेकर प्रियंका गांधी ने अब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से योगी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। पहले लखनऊ से इसकी शुरुआत उन्होंने की और अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ में हैं। कल से यानी 5 जनवरी से जो बीजेपी है वो अब सीएए को लेकर आम लोगों के बीच जा रही है। लखनऊ में राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि वो रक्षा मंत्री होने के साथ साथ लखनऊ से सांसद भी हैं, और ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि सीएए को लेकर आप आम लोगों के बीच जाएं और आम लोगों को बताएं कि सीएए से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। तो सीएए को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो मोर्चा है
है वो प्रियंका गांधी ने खोल रखा है। जी बिल्कुल अमित, वाकई में प्रियंका गांधी ने ये मोर्चा खोल रखा है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी का हमने बयान भी सुना था जिसमें उन्होंने अब पुलिस को ही एक विलन बना दिया है, तो ऐसे में लोगों के बीच अगर पुलिस की इस तरह की जो इमेज क्रिएट की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और एक बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, पुलिस की इमेज खराब करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश नहीं है? देखिए, पुलिस एक माध्यम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, और CAA के दौरान जो वायलेंस हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे निपटने का जो तरीका योगी सरकार ने अख्तियार किया वो भी अपने आप में यूनिक है और ऐतिहासिक भी इसलिए है क्योंकि इसके पहले कोई इस तरीके से जो दंगाई है, जो उपद्रवी हैं या जिन लोगों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुई थी उन्हीं लोगों से हम रिकवरी करेंगे, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो निश्चित रूप से पुलिस को जहाँ योगी सरकार एक माध्यम बना रही है कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के साथ साथ रिकवरी करने के लिए भी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और प्रियंका गांधी पुलिस को विलेन बना रहे हैं ये कहते हुए कि पुलिस ने दंगा शुरू किया था, पुलिस की गोली से तमाम लोगों की मौत हुई है और पुलिस की वजह से ये दंगा भड़का, लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस पूरे प्रकरण में आप देखें तो पुलिस की ही भूमिका को संदिग्ध बनाया जा रहा है दोनों ही तरफ से। तो निश्चित रूप से पुलिस हमेशा से एक हथियार का काम करती है, सत्ता पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। विपक्ष पुलिस पर आरोप लगाकर सरकार को घेरने का प्रयास करती है और सरकार पुलिस के माध्यम से विपक्ष को दबाने की कोशिश करती है, और यही वजह है कि पुलिस रिफॉर्म पर जितनी भी समितियां जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए उसमें हमेशा यह कहा गया है कि पुलिस को एक तटस्थ रूप से ही देखा जाना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना और पुलिस को वहीं तक सीमित रखना चाहिए, पुलिस को कभी भी पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, पुलिस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन CAA के मामले में हमने देखा चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन दोनों ही पक्षों ने पुलिस का राजनीतिकरण करने से कोई संकोच नहीं दिखाया और आज कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करके उन तमाम लोगों को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का भी एक तरीका है। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का तरीका। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने अमित ये एक्शन लिया है कि जो दंगा कर रहे हैं उन्हीं से इसकी रिकवरी की जाएगी, उसके बाद हमने देखा भी है कि इन प्रदर्शन में कमी भी आई है। देखिए, निश्चित रूप से जब आप मुख्यमंत्री होते हैं और आपकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, तो निश्चित रूप से आपको निर्णय लेने होते हैं और योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्रियों में से इनकी पहचान होती है और जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिन लोगों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, मीडिया के कई गाड़ियों को जला दिया गया, वो जो रिकवरी है उन्हीं लोगों से ही की जाएगी। वीडियोग्राफी के दौरान जिन लोगों की पहचान पुलिस ने कर लिया है उनसे ही हम रिकवरी करेंगे, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। अब इस फैसले को विपक्ष अपने तरीके से भुना रहा है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं पुलिस को आगे रखकर ही अपने जो जो राजनीतिक निहितार्थ हैं या जो उनको अपना एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो पुलिस को रखकर ही आगे कर किया जा रहा। तो पुलिस की भूमिका को संदिग्ध भले बना रहा हो विपक्ष, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक फैसला है और इस फैसले की समीक्षा तो होगी ही कि ये फैसला अपने आप में बड़ा यूनिक है कि जिन लोगों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उन संपत्तियों की रिकवरी उन्हीं लोगों से की जाएगी जिनकी पहचान हमने कर ली है। अब समस्या ये है कि जिन लोगों की पहचान की गई है क्या वास्तव में वो वायलेंस में शामिल थे, और यही पूरे विवाद की जड़ में है। विपक्ष का कहना है कि वो निर्दोष थे, सरकार का कहना है कि वो लोग दोषी थे क्योंकि वीडियोग्राफी में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे।